अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो इस वक्त जो वेरीफाइड न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, मतलब देश की जो टॉप मीडिया वेबसाइट्स हैं, उनके द्वारा आपके सामने एक आर्टिकल शेयर किया जा रहा होगा कि गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के ऊपर दोष मढ़ दिया अपने वर्ल्ड कप फाइनल में शतक से चूकने का। लेकिन क्या ऐसा सच में मढ़ दिया? खैर, मेरा तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जवाब इसका सीधे शब्दों में ना है। और मैं तो आपको भी सलाह दूंगा कि आप द लाइन टॉप चैनल पर जाइए, गंभीर का वो वीडियो देखिए जहाँ पर वो वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बात करते हैं, और आपको एहसास होगा कि उन्होंने धोनी पर बिल्कुल भी दोष नहीं मढ़ा। गौतम गंभीर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कई बार उनकी बातें लोगों को पसंद नहीं आती, कोई कोई बात मुझे भी पसंद नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने कहा ये ना हो मैं हम उसको स्टोरी बनाकर पेश कर दें। दरअसल में जब सौरभ द्विवेदी ने गौतम गंभीर से पूछा वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में कि क्या आपको वो बात खटकती है कि वर्ल्ड कप फाइनल में आपके 100 रन क्यों नहीं बने, वर्ल्ड कप 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ने जीता उसमें आप हाईएस्ट स्कोरर, 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल जीता उसमें आप हाईएस्ट स्कोरर, तो आपको कहीं ना कहीं खटकता जरूर होगा कि दोनों ही फाइनल में आपको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। जिसके बाद गौतम गंभीर ने उनको बताया कि हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत मलाल होता है, लेकिन अगर जब मैं देखता हूँ कि महिला जयवर्धन ने भी वर्ल्ड कप फाइनल में शतक मारा था लेकिन उनके शतक को की कोई बात भी नहीं करता, कम से कम मेरे 97 रनों की बात तो होती है, तो ये सब चीज़ें फिर ज़्यादा मायने नहीं रखती किसको मैन ऑफ द मैच मिला। आप वर्ल्ड कप जीत गए क्योंकि आप उसी के लिए खेलते हैं। हालांकि उन्होंने अपने शतक ना पूरे करने को लेकर कहा कि उनके दिमाग में कभी भी शतक नहीं था, वो सिर्फ श्रीलंका के टारगेट को देखकर खेल रहे थे और वो अपने रनों की तरफ तो देख भी नहीं रहे थे और उनको इस बात का एहसास भी नहीं था 97 रन का। और वो ओवर के बीच में एमएस धोनी और वो आए बात की, तो उस वक्त एमएस धोनी ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो 97 रन पर है, 3 रन और बना लेंगे तो शतक हो जाएगा। गौतम गंभीर ने कहा कि उस वक्त मेरे दिमाग में शतक आ गया और वहां से मैं 3 रन के बारे में सोचने लगा और श्रीलंका का टारगेट मैं भूल गया और उससे मेरे ऊपर दबाव आ गया जिस वजह से मैं आउट हो गया। तो इसमें उन्होंने कहीं से कहीं तक भी एमएस धोनी को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका माइंड फेड हो गया कि वो श्रीलंका के टारगेट की जगह अपने 3 रन देखने लगे उस वक्त, और उस वक्त वो अचानक से आउट हो गए। खैर, गौतम गंभीर आउट हो गए लेकिन इस बात को कोई भी भुला नहीं सकता कि गौतम गंभीर के हाईएस्ट रन थे। लेकिन इसके बावजूद मीडिया का काम बन चुका है टॉप के मीडिया चैनल्स का कि घुमा फिरा कर स्टोरी बनाते हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने सीधे साफ शब्दों में एमएस धोनी की रोटेशन पॉलिसी को क्रैप कहा, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में शतक से चूकने को लेकर एमएस धोनी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। सीधे और साफ शब्दों में उन्होंने खुद की गलती मानी कि उनका ब्रेन फेड उन्होंने होने दिया, श्रीलंका के टारगेट की जगह वो अपने 3 रन के बारे में सोचने लगे। पता नहीं इस तरह की खबरें कहाँ से आ जाती हैं और ये मीडिया कर्मी क्यों चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।